चार दिवसीय हास्य नाट्य समारोह का उद्घाटन 17 मार्च को शाम 5 बजे रसधारा संस्थान के साक्षात सभागार में होगा। इस समारोह का उद्घाटन जिला कलेक्टर आशीष मोदी एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष अर्जुन देव चारण और रसधारा संस्थान के अध्यक्ष त्रिलोक चंद छाबड़ा और संरक्षक लक्ष्मी नारायण दाट द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में शाम 6 बजे जोधपुर की नाट्यकर्मी स्वाति व्यास का नाटक स्मृतियों में पिता का मंचन होगा। वहीं 17 मार्च को नगर परिषद सभागार में शाम 8 बजे जयपुर के रंगकर्मी अनिल मारवाड़ी का नाटक चोतमल मासाब का मंचन होगा। इस समारोह में रंग प्रेमियों के लिए दो स्तरों पर नाटक का आयोजन किया जाएगा। दोनों जगहों पर प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। साथ ही प्रत्येक दिन रसधारा में ही रंग संवाद और नाटकों की अलग अलग विषयों पर रंग चर्चाएं होंगी। इस समारोह में प्रदेश के 70 से अधिक रंग प्रतिनिधि चारों दिन उपस्थित रहेंगे। 18 मार्च को सुबह 10 बजे रसधारा में अरु व्यास का नाटक बंद आदमी का मंचन होगा। वहीं शाम 8 बजे नगर परिषद सभागार में सूफिया खाना का नाटक बीवियों का मदरसा खेल जा जाएगा। 19 मार्च को सुबह 10 बजे रसधारा में अरु व्यास का नाटक संक्रमण का मंचन होगा। वहीं शाम 8 बजे नगर परिषद सभागार में संदीप लेले का नाटक एक फूल दो माली खेला जाएगा। 20 मार्च को सुबह 10 बजे रसधारा में डॉक्टर सुनील माथुर का नाटक बर्फ की दीवार का मंचन होगा। रसधारा 1981 में स्थापित हुई और तब से लेकर अब तक इस बीच में आप समझिए कि पूरे देश भर में रसधारा ने अपने नाट्य प्रदर्शन किए और देश भर से यहाँ बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर नाट्य समारोह भी आयोजित हुए और इन 42 वर्षों में आप ये समझिए कि 100 से कहीं अधिक तो यहाँ छोटे बड़े आयोजन हो चुके हैं रसधारा के द्वारा। और ये कर पाने का जो साहस है वो असल में गुरुजनों का आशीर्वाद तो है ही, बच्चों की मेहनत अपनी जगह है ही, लेकिन भीलवाड़ा के दर्शकों ने जो स्नेह और प्यार और मोहब्बत रसधारा को दी है वो हमारे लिए बड़ा उत्साह है कि उसकी वजह से हमको हर बार लगता है कि हम कुछ नया और भीलवाड़ा के दर्शकों को नाटकों के जरिए दिखा सकें। और इस बाबत अभी 17 मार्च से लेकर 20 मार्च तक 7 नाटक हमारे बाहर से आ रहे हैं, उसमें से 3 नाटक तो ये रसधारा का परिसर है, इसमें हमने एक छोटा सा ऑडिटोरियम भी बना रखा है, तो सुबह जो नाटक होंगे वो कुछ सुधी दर्शकों के लिए थोड़े से चिंतनशील नाटक हैं, वो सुबह यहाँ 10 बजे प्रदर्शित होंगे और बड़े नाटक जो है वो टाउन हॉल में शाम को 8 बजे प्रदर्शित होंगे। वो तो ये रसधारा के इसी परिसर में इस साक्षात हॉल में ये छोटा सा ऑडिटोरियम है अपना, इसमें सुबह के शो इसमें होंगे और शाम को वहाँ टाउन हॉल में 8 बजे का टाइम वहाँ का है शाम को और सुबह 10 बजे का टाइम यहाँ का है। तो जो छोटे नाटक हैं वो यहाँ होंगे, बड़े नाटक वहाँ होंगे। इस तरह से 4 दिन का नाट्य समारोह। नाट्य विधा चूंकि ये शास्त्रोक्त विधा है, इसको और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हम अपने ही जीवन को फिर से एक बार देख रहे होते हैं, तो जो हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको भी ठीक से समझने का अवसर मिलता है और नई पीढ़ी जुड़ रही भी है और अलग अलग सपने, हालांकि कुछ बच्चे सिनेमा में जाना चाहते हैं, कुछ टीवी में जाना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे नाटक में रह के काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आपसे कहूँ, निस्वार्थ रूप से, क्योंकि ये कोई व्यावसायिक नहीं है, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को ग्रो करने के लिए अपना श्रम और शक्तियाँ दे रहे हैं,